हेलो एंड वेलकम गाइस। फुटबॉल लिली यानी कि मे फ्लावर गर्मियों के सीज़न में बल्ब से ग्रो होने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। फुटबॉल लिली बल्ब से इसे ग्रो किया जाता है। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है कि आप इसे बल्ब से कैसे ग्रो करें। मैं उसी बल्ब के का अपडेट आपको दे रही हूँ। ये दो बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें लीव्स अच्छे से ग्रो हो गई है, उनमें फ्लावरिंग बहुत पहले हो चुकी है। आपको मैं साइड में इनकी इमेजेस दिखा रही हूँ जो कि बल्ब ग्रो हुए थे, फ्लावर्स इनके बने थे, उसके इमेजेस हैं। मैं प्रेजेंट नहीं थी इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई, बट आपकी आपसे इमेजेस शेयर कर रही हूँ। लास्ट वाला बल्ब सबसे लास्ट में खिला है, देखिए अभी भी इसकी स्टेम काफ़ी छोटी है और इसकी लीव्स तो बहुत छोटी है इन दोनों प्लांट्स की लीव्स के मुकाबले। सबसे पहले फ्लावरिंग हुई और उसके बाद इनकी लीव्स ने ग्रोथ लेनी शुरू की। इसी कंटेनर में है, ये रेगुलर वाटरिंग में कर रही थी, सनलाइट में थे और 15-15 डेज के डिस्टेंस में 2 से 3 बार मैंने इस वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया था। मुझे लगा था 1 से 1.5 महीने के अंदर इन बल्ब्स में शूटिंग शुरू हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 2 से 2.5 महीने का टाइम पीरियड लिया इसने ग्रो होने में। जब इसमें शूट स्टार्ट हुए उसके बाद बहुत जल्दी इसके फ्लावर डेवलप हो गया, बट जो स्टार्टिंग के शूट्स हैं उन्होंने ही आने में समय लगाया। इसके अलावा मैंने एक बात और नोट की कि जब मैंने बल्ब लगाए थे वो बल्ब काफ़ी छोटे थे, लेकिन पहले बल्ब ने अपना साइज़ बढ़ा दिया इस सॉइल में और उसके बाद अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग हुई। मैं इसे बहुत जल्द रिपोर्ट करूंगी, बारिश शुरू हो गई है, सो आपसे वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तब इसके बल्ब का पिक्चर भी आपसे शेयर करूंगी। पहले के मुकाबले इन बल्ब्स का साइज़ बहुत बढ़ चुका है। आसानी से मेरी ये तीनों बल्ब ग्रो हो गए। फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें ग्रो किया था बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, एक भी बल्ब ख़राब नहीं हुआ, तीनों ग्रो हो चुके हैं मेरे। इस वक्त इनमें लीव्स आ रही है। मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि इसमें सेकेंड फ्लावरिंग कब होगी या अभी होगी भी या नहीं, बट मेरे पास 3 हेल्दी प्लांट्स रेडी है फुटबॉल लिली के। आपके साथ ये अपडेट वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी कन्फर्मेशन हो जाए कि अगर आप फुटबॉल लिली को बल्ब से ग्रो करते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। दूसरा अपडेट दे रही हूँ मैं कॉम्फरीना का, इसकी भी अब वीडियो मौजूद है कि आप इसे सीड से कैसे लगाएं। गाइस पैकेट में बहुत सारे कलर इंडिकेट हो रहे थे गॉम्फरीना के कि उनके सीड्स हैं, बट रियल में ये डार्क पिंक कलर के ही प्लांट्स हैं। मेरे सभी प्लांट पर डार्क पिंक कलर की फ्लावरिंग हो रही है। गर्मियों के समय में ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, गर्मियों के मौसम का स्पेशल पौधा इसे कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट समर सीजन का है ये, बट इस वक्त ब्लूम कर रहा है, अभी काफ़ी हाइट में कम है, बट धीरे धीरे ये और बड़ा होगा। इनके फ्लावर जब सूख जाते हैं तब इनके सूखे हुए फ्लावर से ही इनके सीड बन जाते हैं। सो मैं इस बार फिर से इनके कुछ सीड स्टोर कर लूँगी नेक्स्ट सीडलिंग के लिए, बट इस कंटेनर में ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो सीडलिंग हमने की थी वो खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। गॉम्फरीना को अरेंजमेंट करने के लिए, फ्लावरिंग अरेंजमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इनके कट फ्लावर्स को अपने घर में सुखाकर और फ्रेश दोनों तरीके से स्टोर कर सकते हैं डेकोरेशन के पर्पस से। इनमें कोई स्मेल नहीं होती, बस ये अपने खूबसूरत रंग की वजह से और बाउंसी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। गाइज इसके बाद एक और सीडलिंग की थी मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की, ये देखिए। इस वाइन को फ्लावरिंग की कंडीशन में पहुंचने के बाद बंदरों ने तोड़ डाला था। हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर आ गए थे, उन्होंने इसकी बहुत सारे हिस्सों को तोड़ डाला था, बट मैंने कटिंग कर दी थी और उसके बाद कंपोस्ट ऐड किया, फिर से इस वाइन ने ग्रोथ ले ली। मैं आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ जिनमें इनके फ्लावर्स खिल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सीडलिंग भी मेरी सक्सेसफुल हुई। ये वीडियो अपडेट वीडियो था इन तीनों चीज़ों का। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। अगेन टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।